पे करनी पड़ रही है, तो कंपनी के लिए क्या है, इट इज अ एक्सपेंस, पर जिसने वो बुक लिखी है उसके लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि इट इज गिविंग हिम दी बेनिफिट, तो इट हैव विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। देन कमीशन पेड, खुद ही लिख लो बेटा, कमीशन पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कमीशन पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रॉयल्टी के बाद ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज़ ऑल्सो अ एक्सपेंस, कि आपने किसी से कैपिटल, आपने आपको उसके ऊपर क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट। आप किसी से भी कोई पैसा लेते हो, आपने बैंक लोन लिया है, या आपने आप उसके ऊपर, जैसे आपके इन इन्वेस्टर ने कोई कैपिटल लगाई है आपके बिजनेस के ऊपर, कुछ वैल्यू लगाई है, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट, राइट। तो ये हैं आपके जो डेबिट बैलेंस होते हैं, तो इन्हीं में से ही कोई आपको क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, राइट। इन्हीं का, इन्हीं में से कोई बैलेंस पूछ लेंगे कि उनका डेबिट बैलेंस होगा, या क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या आएगा आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमने पढ़ा था, क्रेडिट बैलेंस, कि आपने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया है, तो इट विल हैव विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नॉट डेबिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हम ओडी भी बोलते हैं, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट विल हैव क्रेडिट बैलेंस। देन वी हैव कैपिटल, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। देन वी हैव रिजर्व्स, रिजर्व्स, रिजर्व्स इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रिजर्व्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, कि रिजर्व्स का डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा। अब रिजर्व्स बनते किससे हैं, रिजर्व्स किससे बनाते हैं हम, रिजर्व्स बनते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, राइट। जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उससे वो रिजर्व्स बना देते हैं। वो रिजर्व्स क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कि अगर फ्यूचर में उनको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, राइट, तो वो पैसा जो है वो उन रिजर्व से यूज़ कर सकते हैं। कंपनी को कोई लॉस हो गया, राइट, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए दे कैन यूज़ दी रिजर्व्स। तो रिजर्व्स इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग आर प्रॉफिट। रिजर्व क्या कर रहा है, हमारे प्रॉफिट को कम कर रहा है, इसीलिए इट इज अ लाइबिलिटी फॉर दी बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्व का क्वेश्चन। तो इट हैज विच बैलेंस, इट हैज क्रेडिट बैलेंस। बिल्स पेबल, बेटा प्रॉफिट को कम कर रहा है, वो पैसा आपका ब्लॉक हो गया है, आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते हो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, आप उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, वो पैसा वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। आपके लिए एसेट कब होता है, जब वो आपके लिए बेनिफिट जनरेट करेगा, वो पैसा तो ब्लॉक हो गया, आप उसको कहीं यूज ही नहीं कर पा रहे हो, जब तक आपको लॉस नहीं होगा, वो भी वो आप किसके लिए यूज करोगे, लॉस के लिए, जो आप चाहते नहीं हो, तो वो पैसा ब्लॉक हो गया। सो इट इज अ लाइबिलिटी बिकॉज यू आर, यू कैन नॉट इन्वेस्ट दैट मनी। अगर वही पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, आगे अगेन उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, सो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, राइट। देन बैंक लोन, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनको वही था हमारा, जो हमारे सन्ड्री डेटर्स थे, यही हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। अकाउंट्स पेबल लिख लिया आपने, दिस दिस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। सेल्स, सेल्स क्या है कंपनी के लिए, इनकम है, तो इट विल हैव विच बैलेंस, इट विल हैव
क्रेडिट बैलेंस, परचेज रिटर्न, कुछ परचेज किया था आपने, परचेज एक्सपेंस है, पर अब आपने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो आपको पैसा फिर से मिल गया। मॉर्गेज पेबल, मॉर्गेज पेबल, मॉर्गेज क्या हो गया, कोई लोन लिया है आपने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी होती है हमारी। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, बिकॉज कुछ पोर्शन जो है हम कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, वो भी एक तरह से रिजर्व ही हो रहा है हमारा, उसको हम नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारा एक तरह से ब्लॉक हो रहा है। वो हमें कब मिलेगा, जब हमारा बिजनेस या तो बंद होगा या हम उस प्रोविडेंट फंड को कभी जरूरत पड़ने पे विड्रॉ करेंगे, राइट। देन रेंट रिसीव्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ स्टाफ, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ स्टाफ, इट इज़ अ इनकम फॉर द बिजनेस। आपसे मांगते हैं ना कुछ, आपकी जब जॉब लगती है तो आपसे कुछ सिक्योरिटी मांगते हैं कि आपको 1,00,000 रुपी एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, अगर आपने एक साल से पहले जॉब छोड़ दी तो आपको वो पैसा वापस नहीं मिलता है। तो वो जो सिक्योरिटी है, कंपनी जो सिक्योरिटी लेती है उसको क्या करती है, वो कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है। तो जब तक वो बंदा उसके पास काम करता है तो उनको वो पैसा इन्वेस्ट होता रहता है, उनसे डबल ट्रिपल जो है कंपनी अर्न कर लेती है, राइट। तो इट इज़ अ इनकम फॉर द बिजनेस। डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज़ अ इनकम, आपकी कंपनी को डिस्काउंट मिला है। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड। देन बैड डेट रिकवर्ड, आपने बैड डेट्स रिकवर कर लिए, आपके कस्टमर जो इतनी देर से पैसा नहीं दे रहा था और उसने पैसा वापस कर दिया है, तो इट इज़ अ इनकम। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर किसी आप किसी ने ड्रॉइंग की है ओनर ने, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपने चार्ज किया, इट इज़ अ इनकम फॉर दी बिजनेस। देन एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, इट इज़ अ इनकम, आपके कस्टमर ने आपको पहले ही एडवांस मनी पे कर दिया है, वो मनी आप कहीं और यूज़ कर सकते हो बेनिफिट जनरेट करने के लिए, तो इट इज़ अ इनकम फॉर दी बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लिखो, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, वो भी आपके यहाँ पे शो होगा। इनकम, जब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, दैट मीन्स द कंपनी इज अर्निंग व्हाट, प्रॉफिट, तो वो भी कंपनी का कहाँ शो होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस में। पर यूजुअली ये जो है कब प्रिपेयर कर लेते हैं, ये लेजर के बाद ही, तो इसके बाद P&L बनता है, बट कुछ कंपनीज जो हैं बाद में भी प्रिपेयर कर सकती है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो ये उनकी मर्जी है वो कब प्रिपेयर करना चाहें। तो अगर वो बाद में करती है, तो अगर एग्जाम में MCQ में आ सकता है, इफ़ P&L इज शोइंग क्रेडिट बैलेंस ऑन विच साइड वी विल शो, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, तो इट इज़ दी क्रेडिट साइड, इट विल शो विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सो दिस वॉज योर ट्रायल बैलेंस, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके हम, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, MCQ कर लेते हैं थोड़े से। सो फर्स्ट MCQ इज
A trial balance is a option given real account. It is a real account, nominal account, list of balances, या none of these. List of balances. हम इसमें पूरी list prepare कर रहे हैं किसकी, debit balance और credit balance की. तो correct option is it is a list of balances. Next question is trial balance checks. Option given are accuracy of the bookkeeper, arithmetical accuracy of the books. Third is honesty of the bookkeeper, या all of these. It is the arithmetical accuracy which the trial balance check. ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये arithmetical accuracy check करता है. Next question is a trial balance facilitates. First option given is the preparation of profit and loss account only. Next option is the preparation of balance sheet only. Next option is the preparation of final accounts. And last option given is the preparation of trading account. तो अब जो ट्रायल बैलेंस है वो फैसिलिटेट मींस किसके लिए हेल्प करता है, आपको फैसिलिटेट करता है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए, कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, या प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ बनाने के लिए, या फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए. बैलेंस शीट जो ट्रायल बैलेंस है वो आपके तीनों को हेल्प करता है, ट्रेडिंग अकाउंट को भी, पीएनएल अकाउंट को भी, और बैलेंस शीट को भी. जब ये तीनों अकाउंट को हेल्प करता है तो दैट मींस ये तीनों क्या हैं आपके, फाइनल अकाउंट्स. तीनों को मिला के फाइनल अकाउंट किससे बनते हैं आपके, फाइनल अकाउंट इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट ये हम कल पढ़ेंगे पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. जब ये आप तीनों अकाउंट्स जो हैं आपके क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट. जो ट्रायल बैलेंस है वो आपके तीनों अकाउंट्स को हेल्प करता है. तीनों अकाउंट्स को कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या है, जितने भी आपने लेजर बनाए हैं उनकी लिस्ट है, राइट. अब इन लिस्ट में से कुछ आइटम्स जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो होती हैं. जैसे कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड पड़ा, वो किस में शो होता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में. जैसे आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कहाँ शो होती हैं आपकी, बैलेंस शीट में. तो ये पूरी लिस्ट है, जो कुछ आइटम्स जो हैं इस ट्रेडिंग में यूज़ होती हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में होती हैं, और कुछ बैलेंस शीट में होती हैं. तो जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है. तो कौन सी आइटम्स हैं जो इधर आएंगी, ये हम कल डिस्कस करेंगे, राइट. कल हम ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे, अपनी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये दोनों जो हैं इकट्ठे ही बनते हैं. अगर मैं आज शुरू करा दूंगी तो फिर ये हो जाएगा, इसलिए हम दोनों इकट्ठे कल स्टार्ट करेंगे, राइट. तो ट्रायल बैलेंस जो हैं आपके फाइनल अकाउंट्स को हेल्प करते हैं. तो आंसर इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट सर्व द फॉलोइंग पर्पस. अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट सर्व द फॉलोइंग पर्पस. इसमें से क्या नहीं करता है ट्रायल बैलेंस, वो बताना है आपको. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट सर्व द फॉलोइंग पर्पस. फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज कनेक्टिंग लिंक या कनेक्शन लिंक. नेक्स्ट इज गारंटी द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस. गारंटी द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट ऑप्शन इज समराइजेस द डेटा. एंड फोर्थ वन इज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. तो इनमें से ट्रायल बैलेंस क्या नहीं करता है? कनेक्टिंग लिंक तो है, क्योंकि लेजर से क्या बन रहा है? ट्रायल बैलेंस. ये सबको कनेक्ट कर रहा है, राइट? दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्टिंग लिंक तो है. दूसरा क्या आपका? समराइज इज द डेटा. ऑब्वियसली इसमें हमें पूरा समराइज फॉर्म में मिल रहा है डेटा. लेजर में एक एक अकाउंट अलग अलग बना था. मशीनरी अकाउंट अलग बना था, फर्नीचर अकाउंट अलग बना था, कैश अकाउंट अलग बना था. तो इसमें हमें एक ही अकाउंट में सब पूरा का पूरा लेजर अकाउंट का डेटा मिल रहा है, बैलेंसेस मिल रहे हैं. तो इट इज समराइजिंग. समराइजिंग क्या हो गया कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में हमें एक ही अकाउंट में सारा डेटा मिल रहा है. तो इट इज ऑल्सो करेक्ट. अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी ठीक है. लास्ट क्या बचा आपके पास? गारंटी द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन. तो ट्रायल बैलेंस आपको गारंटी नहीं देता है कि आपने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं या नहीं की हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? सिर्फ ट्रायल बैलेंस से बैलेंस उठा रहा है और यहाँ पे डाल रहा है, राइट? रिकॉर्ड कर रहा है, बट ये गारंटी नहीं दे रहा है कि आपने लेजर में या जर्नल में सारी एंट्री की है कि नहीं की है. आपसे कोई एंट्री ओमिट तो नहीं हो गई है. ये सिर्फ क्या कर रहा है? बैलेंस उठा रहा है और डाल रहा है. बैलेंस उठा रहा है हर एक अकाउंट का और डाल रहा है. कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि आपसे कोई ट्रांजैक्शन मिस हो गई है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या नहीं करता है? इट डज नॉट गारंटी द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दी ट्रांजैक्शन. अ ट्रायल बैलेंस इज अ ऑप्शन गिवन आर अकाउंट. ट्रायल बैलेंस इज अ फर्स्ट ऑप्शन अकाउंट. नेक्स्ट ऑप्शन पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. लास्ट ऑप्शन इज प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी. एक उन्होंने अर्थमेटिकल वर्ड यूज नहीं किया है, तो खाली एक्यूरेसी लिखा होगा तो वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, राइट? ये सिर्फ कैलकुलेशन में आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का बताएगा कि आपके अकाउंट्स एक्यूरेट बने हैं कि नहीं, वो नहीं बताएगा. जो पिछला वाला आपने एमसीक्यू किया उससे ही रिलेटेड है. एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि पूरी एक्यूरेसी, कि कोई एंट्री तो नहीं मिस हुई है, कोई गलत अमाउंट तो नहीं डाल दिया या कैलकुलेशन तो नहीं. नो, ट्रायल बैलेंस सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक करता है, राइट? सो इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे. दूसरे टाइप के क्वेश्चन वही आएंगे कि आपको दिया होगा कि बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट शोज विच बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, राइट? सो दिस वॉज योर ट्रायल बैलेंस. तो कल हम करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर टाइम बच गया तो बैलेंस शीट भी कर लेंगे आपकी, ठीक है?
ओके बेटा, थैंक यू।